मूवी शुरू होती है और हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है और उस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन चल रही होती है और एक जगह पर केमिकल बन रहा होता है जहाँ पर थोड़ा केमिकल लीक भी हो रहा है और वो केमिकल जमीन पर पड़ी हुई एक चीज पर गिरता है और वहाँ एक छोटा सा अंडा होता है और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ ड्रग्स बनाने वाले पौधे होते हैं और इन पर भी केमिकल गिर रहा होता है। और फिर हम एक कार में टायलर और उसके डैड को देखते हैं और टायलर एक अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक ट्रिप पर जाने वाला होता है और उसके डैड उसे खाली सुनसान जगह पर लाकर छोड़ देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि टायलर अपने अकेले मन पर काबू कर सके। और फिर टायलर अपने बचपन के दिन को याद करता है जब वो जंगल में डैड से अलग हो जाता है और जिसके बाद से टायलर आज तक अकेले रहने से डरता है। और फिर वहीं पर डारेल आ जाता है जो टायलर को बहुत तंग करता है और उसे कहता है कि ये बास्केटबॉल उस बास्केट में डालो, लेकिन टायलर ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद डारेल कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने कुत्ते से कटवा दूंगा। जिसके बाद वहीं पर होली और चार्ल्स आ जाते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और इन दोनों ने ही इस ट्रिप को अंजाम दिया है और उनकी बेटी मेलिसा भी उनके साथ होती है। और फिर हमें पता चलता है कि डारेल भी उस ट्रिप पर टायलर के साथ चलने वाला होता है। और फिर हम रोम और डी को भी देखते हैं जो एक कार से वहाँ पर आ जाते हैं और इधर हम फैक्ट्री को देखते हैं जिसमें केमिकल बहुत ज्यादा गिर जाने से वह अंडा बहुत ही बड़ा हो रहा था और साथ ही में वह हिल भी रहा था। और इधर ये लोग सभी जब ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और जिसके बाद चार्लिस गाड़ी का पंचर बना रहा होता है और गाड़ी ठीक होने के बाद सभी एक पास के रेस्टोरेंट में जाकर रुकते हैं। लेकिन तभी जेरी नाम का एक आदमी मेलिसा के बाल को पकड़ता है और उसे छेड़ता है और वहीं पर एक और आदमी आता है जो जेरी को तमीज में रहने के लिए कहता है और उस आदमी का नाम सर होता है। और फिर तभी मेलिसा जेरी से बहुत डर जाती है। और अब हम जारविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उसे चूहे के मारे जाने की आवाज आती है। और फिर जब जारविस मशीन में कुछ ढूंढ रहा होता है तब टिप उसमें से बाहर निकलता है और जारविस उसे देखकर डर जाता है और उसका पैर उसके बनाए हुए जाल में फंस जाता है जिसके बाद वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जारविस उस जाल को निकालने की कोशिश करता है और तभी वो ऊपर देखता है और वहाँ पर टिक्स के अंडे होते हैं जो बहुत ही बड़े हो गए थे। और तभी एक अंडा जारविस के मुंह पर गिर जाता है और इधर सभी लोग अपनी वैन में से उतरकर अपने अपने कैंप में आराम करने के लिए चले जाते हैं जहाँ टायलर देखता है कि दीवार पर एक टिक का अंडा लटका हुआ होता है और टायलर उस अंडे को बीच में से काट देता है जिसमें से बहुत सारा केमिकल जमीन पर गिर जाता है और डारेल उस अंडे पर पैर रखकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो टिक के अंडे के अंदर से एक इंसेक्ट निकलता है जिसे डारेल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस कैंप वाले घर के अंदर भी बहुत सारे टिक के अंडे पहले से ही मौजूद होते हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम टायलर और मेलिसा को जंगल में बात करते हुए देखते हैं जहाँ टायलर मेलिसा को अपने डर के बारे में बताता है और कहता है कि उसे अकेले रहने में बहुत डर लगता है और वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं। लेकिन तभी टिक का एक अंडा मेलिसा के पीठ पर चिपक जाता है जिसके बाद टायलर उसे पीठ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो टिक का अंडा मेलिसा के पीठ से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी अलग नहीं होता है जिस कारण मेलिसा को बहुत दर्द होता है। और फिर टायलर लकड़ी की मदद से उस टिक के अंडे को निकाल देता है और वो दोनों भागते हुए चार्ल्स को उस टिक के अंडे के बारे में बताते हैं लेकिन सभी स्टूडेंट्स और चार्ल्स इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं जिसके बाद टायलर चार्ल्स को वापस घर चलने के लिए कहता है लेकिन चार्ल्स इस बार भी उसकी बात को नहीं मानता है। और फिर वहीं पर सर और जेरी भी आ जाते हैं और वो दोनों चार्ल्स का बहुत दिमाग खाने लगते हैं। इधर हम जारविस को देखते हैं और उसकी बॉडी में टिक घुस चुके होते हैं और उसकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है और फिर वह आदमी जहाँ पर टिक होता है वहाँ पर गोली चलाकर अपने आप को जख्मी कर लेता है। और अब हम रात में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक साथ में होते हैं और डारेल उस आग में पेट्रोल डाल रहा होता है जिस कारण आग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस आग को देखकर चार्ल्स वहाँ आता है और उस आग को बुझा देता है और उन सभी लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना क्योंकि हमारे पास फ्यूल टैंक है और साथ ही इस जंगल में आग भी लग सकती है। और इधर मेलिसा और चार्ल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। मेलिसा होली से बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि होली उसकी असली माँ नहीं होती है। जिसके बाद चार्ल्स उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें होली से दोस्ती करनी होगी जिसके बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकोगे। इधर हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर एक टिक डारेल के डॉग पर अटैक कर देता है जिस वजह से डॉग की आवाज डारेल को आती है और वह जंगल में अपने डॉग को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे खोज लेता है जहाँ वो देखता है कि उसका डॉग तड़प तड़प कर मर चुका है जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और फिर रात में डारेल अपने कपड़े पैक करके जा रहा होता है जहाँ टायलर उसे रोकने की कोशिश करता है मगर डारेल टायलर को धमकाता है और कहता है कि तुम इस बात को किसी से नहीं कहोगे। और फिर डारेल वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह चार्ल्स शेरिफ को बुलाता है और उसे मरा हुआ डॉग दिखाता है और कहता है कि पता नहीं इसके साथ
साथ ऐसा किसने किया है। और फिर तभी शेरिफ जारविस के बारे में पूछता है और उसका हुलिया बताता है और कहता है कि कल रात से वो अपने घर नहीं आया है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना। और जिसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है। फिर टाइलर वहाँ आता है और सबको बताता है कि टाइलर जो है रात को ही इस कैंप को छोड़कर चला गया है। जिसके बाद चार्ल्स को डैरिल पर बहुत गुस्सा आता है और टाइलर को सभी लोग बहुत ही डांटते भी है। इधर मेलिसा टाइलर के पास जाती है क्योंकि टाइलर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। मेलिसा उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर थोड़े टाइम बाद चार्ल्स और टाइलर उस मरे हुए डॉग को एक डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उस डॉग की मौत कैसे हुई। और फिर हम डैरिल को देखते हैं जो जंगल से शहर जाने के लिए रास्ते को ढूंढ रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर उस डॉग को एक इंजेक्शन लगाती है और फिर एक और इंजेक्शन को लगाती है जो इंजेक्शन उस डॉग के पेट में फंस जाता है। डॉक्टर उस इंजेक्शन को बाहर खींचती है लेकिन उस इंजेक्शन के साथ ही एक टिक उसके शरीर से बाहर निकलता है और डॉक्टर के हाथ से वो टिक भाग जाता है। फिर सभी दरवाजा बंद करके उसे ढूंढ रहे होते हैं तभी वो टिक टाइलर के मुंह पर आ जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन चार्ल्स उस टिक को टाइलर के मुंह से हटा देता है और वह डॉक्टर उस टिक पर पैर रखकर उसे जान से मार देती है। और फिर डॉक्टर उस टिक की जांच करती है और कहती है कि ये टिक एक केमिकल से बना है जो बहुत ही खतरनाक है। इधर हम डैरिल को देखते हैं जो जंगल को पार करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी एक टिक उससे डैरिल के पैर में घुस जाता है और उसे काटने लगता है। डैरिल उस टिक को पैर से चाकू की मदद से निकाल फेंकता है लेकिन इसी बीच डैरिल बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और उसे बहुत ही दर्द होने लगता है। इधर होली मेलिसा और केली को कहती है कि तुम लोग खाने के लिए जंगल से मछली पकड़ कर ले आओ। जिसके बाद मेलिसा और केली जंगल में जाते हैं और एक नदी के किनारे जाल बिछाकर उस मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेलिसा नदी में जाती है और जाल को खींचने की कोशिश करती है जहाँ उन्हें मछली नहीं बल्कि शेरिफ की बॉडी मिलती है जिस कारण वे दोनों डर जाती है और वापस कैंप की तरफ भाग जाती है। और फिर हम रोम और डी को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं लेकिन तभी डी उस फैक्ट्री में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे टिक के अंडे होते हैं और साथ ही वहाँ पर जारविस भी आ जाता है और डी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। डी जमीन पर गिर जाती है और साथ ही गलती से जारविस भी उस पर गिर जाता है जहाँ उसके चेहरे में वह टिक घुस गया होता है। जिसके बाद जारविस डी को कहता है कि वह उसे शूट कर दे लेकिन इससे पहले ही जारविस का पूरा चेहरा फट जाता है और वो टिक डी के गर्दन पर अटैक कर देता है जिस कारण डी वहाँ से उठकर भाग जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम डैरिल को देखते हैं जो जख्मी पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर जेरी और सर आ जाते हैं और उससे उनके गंजे के बारे में पूछते हैं और हमें पता चलता है कि सर ही उस फैक्ट्री का मालिक है। और फिर डैरिल जेरी को जख्मी करके भागता है जहाँ सर उसका पीछा करता हुआ भागता है और डैरिल को शूट करता है लेकिन गोली जो है फ्यूल टैंक में लग जाती है और जंगल में हर तरफ आग लग जाती है। और सर डैरिल को गोली इसलिए मारता है कि कहीं डैरिल बाहर जाकर सभी को उनके गैर कानूनी धंधे के बारे में न बता दें। इधर रोम डी को अपने साथ कैंप ले जा रहा होता है जहाँ डी को रोम की जगह जारविस का चेहरा दिखने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इधर चार्ल्स भी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो लोग डी को घर ले जाते हैं। इधर जंगल में हर तरफ आग लगी होती है जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। अब सर और जेरी भी चार्ल्स के घर में आ जाते हैं जहाँ उन पर भी बहुत सारे टिक ने हमला किया हुआ होता है। और इधर जंगल में आग लगने की वजह से बहुत सारे टिक्स घर को आकर घेर लेते हैं। फिर चार्ल्स वैन के जरिए शहर में जाने की बात करता है और फिर तभी दरवाजे पर डैरिल आ जाता है लेकिन सर दरवाजे को खोलने के लिए मना करता है लेकिन टाइलर दरवाजे को खोलकर डैरिल को अंदर ले आता है जहाँ डैरिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके पैर पर एक बहुत ही बड़ा टिक चिपका हुआ था। उस टिक की वजह से उसे काफी पेन हो रहा था जिसके बाद टाइलर उस टिक को आग लगाकर जान से मार देता है। फिर डैरिल सभी लोगों से कहता है कि उसकी ये हालत जेरी और सर ने की है और ये कहते ही डैरिल की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर सर कहता है कि डैरिल की मौत टिक के काटने की वजह से हुई है लेकिन टाइलर डैरिल की बॉडी पर गोली का निशान देकर कहता है कि डैरिल की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। जिसके बाद सर बंदूक दिखाकर उनसे वैन की चाबी मांगता है लेकिन वो सभी लोग चाबी देने के लिए मना करते हैं। और फिर चार्ल्स उन्हें बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागता है जहाँ सर चार्ल्स को गोली मारकर जख्मी कर देता है और फिर मजबूरी में होली सर को वो वैन की चाबी दे देती है। और फिर सर जेरी को वैन की चाबी देता है और कहता है कि तुम जाकर वैन को ले आओ। जिसके बाद जेरी एक मसाला लेकर जैसे तैसे टिक से बचता हुआ वैन में चला जाता है लेकिन तभी एक टिक पीछे से जेरी को काट देता है। जिसके बाद जेरी का सर घूमने लगता है और उसे घर के बाहर
बार सर की जगह शरीफ का चेहरा नजर आता है, क्योंकि उस शरीफ को जेरी ने ही मारा होता है, जिसके बाद जेरी सर को ठोक देता है और दीवार तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। और फिर तभी टिक्स घर के अंदर आने लगते हैं और सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सर अभी भी जिंदा होता है। और इसके बाद सर मेलिसा को पकड़ लेता है और सभी लोग मेलिसा को बचाने के लिए सर पर अटैक कर देते हैं और रोम सर की बॉडी में एक कांच घुसा देता है। इधर डायरेल की बॉडी भी बहुत ही ज्यादा मूव कर रही होती है, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से, जिस कारण सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन तभी सर देखता है कि डायरेल की बॉडी में से एक बहुत ही बड़ा टिक निकलता है और उसकी बॉडी के दो हिस्से कर देता है। और फिर वो टिक सर के पास जाता है और उसे खाने लगता है। इधर टाइलर विंडो की रस्सी से बाहर जाता है, लेकिन तभी टिक्स उस पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन टाइलर एक झाड़ू में आग लगाकर सभी टिक्स को अपने पास से हटाता है। और टाइलर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसमें मरा हुआ उसे जेरी मिलता है। अब टाइलर उन सभी टिक्स को मार देता है जो वैन में होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा टिक उसके पास आने लगता है। लेकिन तभी समय रहते टाइलर गाड़ी को विंडो के पास ले आता है और सभी लोग एक एक करके गाड़ी के अंदर आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा टिक आ जाता है और रोम पर अटैक करने लगता है। लेकिन टाइलर रोम को बचाने के लिए भागता है और आग से टिक को डराने लगता है और आग लगा हुआ झाड़ू टिक के मुंह में डाल देता है और रोम को बचा लेता है। और फिर वह सभी लोग वैन से वहाँ से भाग जाते हैं। इधर आग की वजह से टिक ब्लास्ट हो जाता है और वह पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और वहीं पर एक बहुत ही बड़ा सा फ्यूल टैंक रखा होता है और उसमें भी आग लग जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें वहाँ पर जितने भी टिक्स होते हैं वे सभी मारे जाते हैं। और फिर हम लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर शहर में खराब गाड़ियाँ रखी होती है, वहीं पर चार्ल्स की वैन भी होती है और गाड़ी के नीचे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टिक का अंडा होता है, मतलब साफ था कि अभी भी टिक खत्म नहीं हुई है। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।